यहाँ पे, यहाँ पे बबिल घूम जाओ यहाँ। भाई यहाँ पे आओ अरुण भाई, आओ अरुण भाई, फ्रेम थोड़ा ऊपर। सर थोड़ा पीछे आ जा, बाकी कुछ नहीं बोल रहे। चलो क्या मिलता वहाँ आके पिक्चर पूरा। थैंक यू। सर लुक कैमरा, सर इधर, सर इधर आना है। सर थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, थोड़ा लेफ्ट में आ जाइए। सर थोड़ा लेफ्ट में आइए भाई साहब, यहाँ पे, यहाँ पे अरे देख ही रहे भाई कौन है भाई आपके पास। मैं आपको फोन करूंगा, आऊंगा फिर। हाँ ठीक है, इस तरफ आइए, थोड़ा थोड़ा और लेफ्ट में आइए सर। सर थोड़ा इस तरफ आइए, बस बस सर, यहाँ
एक्सक्यूज मी इस तरफ आ जाए सर, अभी होल्ड 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 वेट वेट सर वेट मैच चली है ना सर, थोड़ा सा इस तरफ आइए ना, होल्ड सर होल्ड आ जाओ जी, बढ़िया सा फाइट ले ले इस तरह पीछा पीछा कैमरा पीछा बिकॉज ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं इस तरह की फिल्में देखने की, एंड स्पेशली यू नो मैं हमेशा समझता हूँ कि एक्टर्स के लिए, जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिशियंस जो होते हैं वो अपने जो भी वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसका रियाज उनका होता है, सिंगर्स अपना, एक्टर्स का रियाज क्या है, एक्टर्स के लिए जो प्रैक्टिस है वो क्या है, जो वो शूटिंग पे जाते हैं वो नहीं है, एक्टर्स के लिए रियाज है ये फिल्में देखना, अच्छी फिल्में देखना, अच्छे एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखना। सो आई एम थैंकफुल टू मामी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं हमें अच्छी फिल्में देखने के लिए। सर क्रिस्टोफर बबली की आप डायरेक्शन मतलब कितना फॉलो करते हैं आप उनको? और यार मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट आई एम हियर फॉर निकोलस केज। निकोलस केज की फॉलोइंग के बारे में, हाउ आर यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। निकोलस केज की फिल्मों के बारे में बात की जाए तो आपकी कौन सी पसंद है? यार मतलब मैं सच बताऊँ, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं ना जिनकी आप एक फिल्म चूज नहीं कर सकते, यू जस्ट लव देम। और पता है क्या, जब एज एन एक्टर जब आप एक फिल्म देखते हैं ना, तो ये सवाल कि आपको कौन सी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी या कौन सा एक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज वी कैन नॉट जज एनी एक्टर एज पर कि यार मुझे ये, क्योंकि हम खुद एक्टर हैं ना, तो हम उसको जज करते हैं एज एन एक्टर कि यार मुझे इसमें से क्या अच्छा लगा। सो हमारे को हर परफॉर्मेंस में से, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो पर्सनली ऐसे देखता हूँ कि यार इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस है उसमें से मैं अच्छा क्या समझ सकता हूँ, या यार ये इन्होंने कैसे किया होगा यार, यू नो। सो आई थिंक आई, फॉर मी वॉचिंग अ मूवी ऑफ गुड एक्टर्स इज लाइक अ रियाज फॉर मी। सो मैं आज क्लास के लिए आया, बेसिकली मेरी ये ट्यूशन क्लास है आज। थैंक यू। आपकी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस हमने देखी, खो गए हम कहाँ।
डोले सोले अभी भी हैं? नहीं नहीं अब तो गए, चले गए, चले गए। अरे वाह, बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रहा है आपकी एक्टिंग को लेकर जी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से इतना प्यार मिल रहा है आपको, खो गए हम कहाँ, लोग सोशल मीडिया पर आजकल खो जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा मैसेज है, यूथ को कुछ कहेंगे? बस ये कि फ़ोन से, फ़ोन्स के साथ जितना कम समय बिता सकते उतना समय बिताइए, क्योंकि वो हकीकत नहीं है, असलियत ये है, असलियत लोगों से बात करना है। और तो अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताइए, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ जो सच में आपको प्यार करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आरी एस्टर ने प्रोड्यूस किया और मैं बहुत बड़ा आरी एस्टर फ़ैन हूँ। हेरिडिटरी और मिडसोमार खास करके मेरे वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। नहीं वो तो सिर्फ कैरेक्टर के लिए था, बहुत स्वीट है मलाइका अरोड़ा का और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आपने इंट्रोडक्शन दिया है तो कैसा इंट्रोडक्शन है, क्या है आपको, कैसे कॉल आया था, कैसे आप सिलेक्ट हुए इस चीज़? मैं एक्चुअली बस अभी इंट्रोडक्शन हुआ नहीं, मैं करूँगा अभी। मामी के साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है, मैं 2015-16 से मामी देखने आ रहा हूँ एंड इस साल भी मैं मामी के इनॉग्रेशन के लिए भी था, बहुत सारी फिल्में भी देखी मैंने। तो आई गेस जब ये फिल्म इनको यहाँ पे ये करना था, सो दे रीच्ड आउट और उन्होंने पूछा कि तुम इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, और मैं आरी एस्टर और निकोलस केज का फ़ैन हूँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं। निकोलस केज की ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद आई है और आपको लगता है कि आप शायद उस चीज़ को कभी ना कभी आप अपनी ड्रीम में आप कर सकते हैं उस चीज़ को? मेरे को वो फिल्म के भी नाम सडनली याद नहीं आ रही है, बट वो दो भाइयों के बारे में, और एक राइटर होता है और एक एक्टर होता है, और थ्रिलर है वो फिल्म, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है। वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। एक ऐसी तारीफ मिलती है प्रोजेक्ट को और मतलब कि आपको इतने अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, तो कैसा लगता है आपको, क्या रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा लगता है, मतलब वैलिडेशन तो सबको चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग को पसंद आए। आने वाली फिल्मों के बात की जाए तो क्या क्या फिल्में हैं? मैं अभी रिडली स्कॉट के साथ एलियंस कर रहा हूँ जो जनवरी में शुरू होगी, ये हॉलीवुड शो है, और सुपरमैन और मालेगांव आने वाली अगले साल, और उसके अलावा गन्स एंड गुलाब्स की सीजन 2 अनाउंस हुई है। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। मेरे बाजू में वो खड़े थे, मैं कैसे उनको हटाऊं, उनको भी संभालना चाहिए। इतना पीछे आ गया, रुक गया, रुक गया, आओ रुक गया। करिश्मा भैया, करिश्मा जी, एक्चुअली